नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आजाद भारत की नींव रखने वाले और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 56वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत के वास्तुकार और हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और एक दूरदर्शी के तौर पर वे विश्व स्तरीय संस्थान में अमर हैं। उनकी पुण्यतिथि पर मेरी श्रद्धांजलि। जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आपको बता दें, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 27 मई 1964 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। ICMR ने COVID-19 की टेस्ट के लिए 4500 रुपए की सीमा घटाई। देश में COVID-19 का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 मई तक COVID-19 प्रभावितों का आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच गया है, जिसके तहत टेस्टिंग की प्रक्रिया और तेजी से बढ़ाई जा रही है। ऐसे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक अहम फैसला COVID-19 की टेस्टिंग में 4500 सीमा को घटाने का लिया है, जिसके तहत ICMR ने सभी राज्यों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वह अप्रूव्ड लैब से बातचीत करके अपने हिसाब से टेस्ट की कीमत को तय करें। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि COVID-19 की टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है, इसीलिए अब COVID-19 टेस्टिंग की कोई कीमत की जरूरत नहीं है। वहीं अब भारत में भी किट बनाना आसान हो गया है, इसके लिए इसकी कीमत में कटौती करने की जरूरत है। इसके बाद कर्नाटक में सबसे तेजी से ICMR के फैसले का संज्ञान लिया गया है और प्राइवेट संस्थान में टेस्टिंग की कीमत को 2250 रुपए तय कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने छपरा में फंसे हंगरी के नागरिक से की बात। बीते दिन बिहार के विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छपरा में हंगरी से आए विक्टर से बातचीत की है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने सोशल मीडिया पर आपके वीडियो को देखा और मुझे बहुत दया आई, जिसके बाद मैंने जिला मजिस्ट्रेट से इस संबंध में बात की है। हम आपको जल्दी से पटना या फिर दिल्ली शिफ्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई मदद चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं। आपको बता दें, विक्टर भारत में बंद हो जाने की वजह से छपरा में फंस गए थे, जिसके बाद से उन्हें 55 दिनों तक अस्पताल में रखा गया। वहीं विक्टर ने बातचीत के दौरान बताया कि आप एक स्वस्थ आदमी को अस्पताल में ले आए हैं और यह स्वस्थ आदमी 55 दिनों में अस्वस्थ हो गया है। मैंने DM से भी पूछा था कि कहाँ लिखा है कि मैं अपनी यात्रा जारी नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि आप निर्देश पढ़िए, तब आपको समझ आ जाएगा। गर्मी में इस साल सभी का होगा बुरा हाल। COVID-19 के बीच गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। समूचा उत्तर और पश्चिम भारत में बीते दिन भीषण गर्मी देखने को मिली है। दिल्ली में 26 मई को सालों बाद सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बीते दिन दिल्ली में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चारों में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। वहीं बीते 10 सालों में मई के महीने में यह दूसरा सबसे ज्यादा तापमान दिन रहा है। वहीं यूपी बिहार की तरफ से अगले 48 घंटे में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में टिड्डियों ने किसान की बढ़ाई परेशानी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में टिड्डियों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में इसके लिए सभी किसानों को सूचना दे दी है। महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, प्रयागराज, फतेहपुर जिले को भी सतर्क रहने को कह दिया गया है। लाखों की संख्या में टिड्डियां प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के करीब पहुंच रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जलौना और औरैया में भी किसानों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत मौरानीपुर उपजिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने तहसील प्रशासन ने लेखपाल के साथ तहसील क्षेत्र के किसानों को पाकिस्तानी टिड्डियों ने उनकी फसल बचाने और थाली, ढोल, नगाड़े व DJ की धुन से टिड्डियों को भगाने का तरीका बताया है। मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के जरिए 1 लाख रुपए जीतने का दिया मौका। COVID-19 संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि इसकी सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल समेत कई लोगों ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु में निजता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए बीते दिन इसके स्रोत कोड का सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले समुदाय की ओर से जांच परख के लिए खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही इसमें आ रही खामियों का पता लगाने वालों को पुरस्कार देने का भी ऐलान जारी किया है, जिसके तहत नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बताया है कि पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा ही आरोग्य सेतु डिजाइन के मूल सिद्धांत है। इसलिए इस ऐप में खामी का पता लगाने वाले लोगों को 4 श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें खामी का पता लगाने वाले और इसके कार्यक्रम सुधार के सुझाव देने वालों के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आरोग्य सेतु ऐप से अब तक 11 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। वहीं इस ऐप के माध्यम से COVID-19 संक्रमितों का पता लगाना भी आसान हो गया है। जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने की खबर का गृह मंत्रालय ने किया खंडन। COVID-19 के बीच जारी बंद के दौरान लगभग 3 महीने से देश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। इसी बीच ऐसी खबरें सुनने में आई थी कि जुलाई महीने में स्कूल और कॉलेज खोलने पर सरकार सोच विचार कर रही है। ग्रीन जोन में 30% छात्रों के साथ 8वीं से 12वीं क्लास तक के शिक्षण संस्थान फिर से खोले जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई देते हुए इस खबर का खंडन किया है और साथ ही कहा है कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और देश भर के सभी शिक्षण संस्थानों को अभी भी खोलने पर रोक लगाई गई है। PIB ने गृह मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी है कि स्कूल के
खुलने वाली खबर गलत है। आपको बता दें होली के बाद से सभी शिक्षण संस्थान बंद है। विदेश से आने वालों के लिए क्वारंटाइन की अवधि की गई सिर्फ 7 दिनों तक। गृह मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अपने गाइडलाइन में बदलाव किया है, जिसके तहत उन्होंने विदेशों से भारत आने वालों के लिए 7 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड रखने का निर्देश जारी किया है, जिसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस बारे में सूचना जारी कर दी है। इससे पहले सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि होटल के क्वारंटाइन किए गए लोग इसका भुगतान करेंगे, लेकिन इसमें गर्भवती महिलाओं को छूट दी गई थी, जिसके तहत केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि विदेशों से लौटे जिन भारतीयों को होटल में क्वारंटाइन लेने के लिए 14 दिन की एडवांस पेमेंट देनी पड़ी थी, अब वह 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड खत्म करके अपने घर जा सकते हैं, जिसके बाद होटल उनके बचे हुए 7 दिनों के पैसे को वापस लौटा देगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दूसरे देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों को लाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत चीन व्यापार पहुंचा अपने सबसे खराब स्थिति में। कोविड-19 की वजह से भारत और चीन के बीच व्यापार को बड़ा झटका लगा है। दोनों देश के बीच सीमाओं के जरिए व्यापार प्रभावित हो रहा है। नाथुला दर्रा के जरिए व्यापार पर सिक्किम ने पहले ही रोक लगा दी है। अब उत्तराखंड सीमा से व्यापार को लेकर कोई तैयारी फिलहाल नहीं की गई है। खबरों की माने तो कोविड-19 की वजह से बुरी तरह प्रभावित व्यापार लद्दाख सीमा पर भारत चीन के सैनिकों के बीच तनाव से और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच सकती है। हालांकि इसका ज्यादातर प्रभाव चीन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि चीन से खफा कई देश भारत में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। इतना ही नहीं, सामान्य व्यापार भी काफी ज्यादा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। वहीं अरबों का नुकसान, सूत्र ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से सामान्य व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। इंग्लैंड खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने विश्व कप 2019 को लेकर कही अहम बात। इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने विश्व कप 2019 को लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर कई सारे सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उन्होंने भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर सवाल उठाते हुए महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी पर भी सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली की साझेदारी को रहस्यमय करार दिया है। वहीं कोहली के मैच के बाद 59 मीटर की बाउंड्री को हताशा बताया है। उन्होंने कहा कि जब धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए तो भारतीय टीम को 11 ओवर में 112 रन चाहिए थे, पर उन्होंने अजीब तरीके से बल्लेबाजी की। वह गेंद को बाउंड्री के पास भेजने से ज्यादा 1 रन लेते हुए दिखाई दे रहे थे। धोनी और केदार जाधव की साझेदारी में जीत की ललक कम देखने को मिली थी। वहीं जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे वह किसी रहस्य की तरह था। मुझे पता है कि हमने इस दौरान शानदार गेंदबाजी की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की बिल्कुल अजीब लग रहा था। अब व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं गैस सिलेंडर बुक। देश की दूसरी बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम ने गैस उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब गैस बुकिंग की प्रक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा पूरे देश में शुरू कर दी गई है। भारत पेट्रोलियम ने देश भर में 71 मिलियन से ज्यादा गैस उपभोक्ता है। गैस वितरण के मामले में भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके तहत अब सभी उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर अपना गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि व्हाट्सएप नंबर पर केवल उसी फोन से गैस बुक कराई जा सकती है जो नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको क्या लगता है व्हाट्सएप के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक कराना ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।